किड्स काना सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से सभी जनपद वासियों व प्रदेश वासियों को रक्षा बंधन और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहित शर्मा महानगर अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड समाजवादी पार्टी फिरोजाबाद की तरफ से समस्त जनपद वासियों और प्रदेश वासियों को रक्षा बंधन और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। पार्षद बिनाका राठौर, पार्षद पति ज्ञानाराम राठौर, वार्ड नंबर 29 टापा खुर्द की तरफ से सभी जनपद वासियों को रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। पार्षद फूलमाला राठौर, पार्षद पति सतीश राठौर, वार्ड नंबर 36 लक्ष्मी ज्वेलर्स हिमायूपुर की तरफ से सभी जनपद वासियों को रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री रामोतार सिंह राशन डीलर ग्राम खेरिया पटिकरा जसराना फिरोजाबाद की तरफ से सभी जनपद वासियों को रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा पहुंचे फिरोजाबाद। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए जीत के मंत्र, कहा 2022 में फिर बनाएंगे सरकार। समाजवादी पार्टी के 400 सीट जीतने के दावे को कहा दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। सपा बसपा और कांग्रेस को बताया कॉकटेल पार्टी। फिरोजाबाद से देखिए राहुल उपाध्याय की खास रिपोर्ट। जरूरतमंदों को हमारी जो योजना है, पक्की छत हर जरूरतमंद को मिल रही है, बिजली हर जरूरतमंद को मिल रही है, 7.5 रुपये की बिजली आती है। गरीब आदमी को जो गरीब है, जो परिवार है, बिना किसी भेदभाव की, उनको हम लोग 3 रुपये के पहले 100 यूनिट दे रहे हैं। सस्ती बिजली देने का भी काम कर रहे हैं। राशन सबको दिया जा रहा है, तो राशन दिया जा रहा है ना, भेदभाव सर ये तो आपने बता दिया। तो आरोप सर आपने भी एक मन से बात कही कि ये तीनों पार्टी बसपा सपा और कांग्रेस कॉकटेल पार्टी है। कॉकटेल है ये, एक कॉकटेल है इनका। कोई अब धीरे धीरे वजूद इनका समाप्त हो गया है, इसलिए फिर एक दूसरे के कंधे पर चढ़ने का काम करते हैं। पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पूर्ण मोहम्मद की अखिलेश जी की सरकार थी, लेकिन उन्होंने राहुल जी के साथ समझौता कर लिया, राहुल जी भी डूबे और अखिलेश जी भी डूबे। सर जिले की यदि बात करें तो अब बिजली पूरी तरीके से आदमी त्रस्त है, और दावा ये होता है कि 22 घंटे या 18 घंटे की 21 घंटे की बिजली 18 घंटे गांव में, और जो एग्रीकल्चर फीडर है 10 घंटे उस पर, तहसील में 20 घंटे और जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली देने का हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन बारिश के कारण, कहीं तकनीकी खामी के कारण, कहीं अगर फॉल्ट है तो उसको भी तत्काल दूर करने का। फॉल्ट के लिए प्रशासन सरकार के पास सरप्लस पावर है, बिजली हमारे पास कोई कमी नहीं है। हमारे पास बिजली जो मांग है उससे कहीं ज़्यादा है। पूर्व सरकार से जो सपा की सरकार थी उसमें केवल 16,000 मेगावाट, आज हम 25,000 मेगावाट से ज़्यादा आपूर्ति कर रहे हैं, यानी कि 9,000 मेगावाट अधिक हमने बिजली प्रदेश के लोगों को दे रहे हैं। सर विभाग समाज पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है ब्राह्मणों को लुभाने के लिए। सर आप भी ब्राह्मण, सर क्या कहना चाहेंगे? लोकतंत्र है, सभी पार्टियों को अपना काम करने का अधिकार है, लेकिन हमने कहा कि हम जाति मजहब की नहीं, हम विकास की राजनीति करते हैं। जो गरीब है उसका उत्थान कैसे हो, मुख्य धारा में उसको कैसे लाए।